जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम नजर डालेंगे कौन से ऐसे फोन्स हैं जो आप लॉकडाउन के बाद खरीद सकते हैं 15,000 रुपए से नीचे। और ये जो दोस्तों प्राइसिंग है, ये जो जीएसटी हाइक है उसके बाद जो नई प्राइसिंग है उस पे दोस्तों ये वीडियो बनाया है। तो आइए पता लगाते हैं उन फोन्स के नाम। शुरू करते हैं हम टेक की बात, गाइडिंग टेक यानी जीटी हिंदी के साथ। तो दोस्तों, इस बार का लिस्ट जब मैं बना रहा था ना, मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ, बिकॉज बहुत सारे पॉपुलर नाम जैसे कि Redmi Note 8 Pro भी दोस्तों इस लिस्ट में नहीं है जीएसटी हाइक के कारण। और अगर आपको उसके बारे में नहीं पता है तो दोस्तों मैं इस वीडियो के नीचे लिंक दे दूंगा जहाँ पे आप ये जो जीएसटी हाइक है, ये जो डॉलर वर्सेज रुपीज़ के कारण हुई है, और ये जो 12 से 18% की दोस्तों जो हाइक थी, उस सब के बारे में मैंने जानकारी दी है। तो आप वीडियो के बाद दोस्तों उस पर भी नज़र डालिएगा। वैसे अभी तो दोस्तों हम डालते हैं सबसे पहले फ़ोन पर नज़र, जो कि है Honor का 9X। एंड ये दोस्तों एकमात्र फ़ोन है जिसकी प्राइस नहीं बढ़ाई गई है। और Honor ने दोस्तों अभी तक कोई भी ऐसा न्यूज़ नहीं दिया है कि भाई हम आगे जा करके प्राइस बढ़ाएंगे। अब दोस्तों ये जो फ़ोन है, ये पहले जो प्राइस में था वो भी दोस्तों ज़्यादा ही थी, बिकॉज इसमें आपको जो प्रोसेसर मिलता है वो इतना ज़्यादा बढ़िया नहीं मिलता फॉर द प्राइस। बट उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको फुल व्यू डिस्प्ले मिलता है बिना नॉच के, और वो पॉपअप कैमरा भी दोस्तों आपको मिल जाएगा। अब इसी के साथ साथ आपको यहाँ पे कैमरा अच्छा मिल जाता है। तो ओवरऑल दोस्तों यहाँ पे बैटरी, डिस्प्ले, पॉपअप कैमरा और जो रियर कैमरा है वो एवरेज है। बट जो प्राइसिंग थी उसमें जो प्रोसेसर पहले था उसमें प्रॉब्लम थी, लेकिन अब वो भी ठीक है। बट हाँ, 10 वॉट का जो चार्जर है ना वो मुझे खटकता है, तो एटलीस्ट 15 वॉट या 18 वॉट का यहाँ पे चार्जर होना चाहिए था। लेकिन दोस्तों अगर आप एक पॉपअप कैमरे वाला फ़ोन खरीदना चाहते हैं, नॉच आपको नहीं पसंद है, तो इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट में यही एक ऑप्शन है आपके पास। अब इसके बाद दोस्तों हम डालते हैं नेक्स्ट फ़ोन पे नज़र, जो कि है Xiaomi की तरफ से Mi A3। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों ये जो फ़ोन है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सबसे पहला तो दोस्तों जो इसका फॉर्म फैक्टर है बहुत ही प्यारा है, और उसी के साथ साथ आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का बैक पैनल भी मिल जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है AMOLED डिस्प्ले के साथ। और AMOLED डिस्प्ले दोस्तों यहाँ पे बस एक ही कमी है कि वो फुल HD नहीं है, HD है, तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, फिर भी दोस्तों अगर आपको मीडिया कंजम्पशन के चाहिए तो कहीं ना कहीं वो आपको खटकेगा। इसी के साथ साथ आपको दोस्तों यहाँ पे Android 10 का अपडेट भी मिलता है, तो प्योर Android है, यहाँ पे कोई ब्लोटवेयर नहीं है, फुल ऑन स्टॉक है। तो ये भी दोस्तों एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। एंड आप मुझसे पूछो तो यहाँ पे दोस्तों जो कैमरा है वो भी आपको IMX586 का मिल जाएगा, और इसमें दोस्तों गूगल कैमरा का सपोर्ट भी बहुत बढ़िया है। तो अगर HD स्क्रीन से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है ना, तो दिस इज़ An amazing device। इसका form factor, display, design वगैरह सब, sorry not display, form factor और उसका दोस्तों जो design है और उसका जो camera है बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। अब बढ़ते हैं दोस्तों हम तीसरे फ़ोन की तरफ, और यहाँ पे इस बार Samsung Galaxy M31 नहीं, M21 है, because price gap और price difference और price increment, जी हाँ जो भी आप बोलो। और यहाँ पे दोस्तों अब M31 में और M21 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सबसे पहले तो दोस्तों आपको सेम बैटरी मिलती है, आपको सेम प्रोसेसर मिलता है। हाँ, प्राइमरी कैमरा डिफरेंस है और उसमें दोस्तों थोड़ी बहुत चेंजेस हैं, बट जब हमने इसमें कैमरा कंपैरिजन किया था ना, तब M21 और M31 में ज़्यादा फ़र्क नहीं था। हाँ, थोड़े बहुत नाइट सेल्फीज़ का फ़र्क है, बट वो भी दोस्तों इतना ज़्यादा नहीं है। तो ओवरऑल आप अगर M21 भी खरीद रहे हैं सैमसंग की तरफ से, तो आपको वही सेम बैटरी लाइफ देखने को मिल जाएगी, वन UI आपको मिल जाएगा। उसी के साथ साथ दोस्तों आपको 64 मेगापिक्सल नहीं लेकिन 48 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाएगा, एंड मैक्रो कैमरा मिसिंग है। तो वो सब दोस्तों छोटी बड़ी चीज़ें हैं, बट ओवरऑल M21 भी, अगर आपको सैमसंग फ़ोन चाहिए और आपको प्रोसेसर वाइज इतना कोई बढ़िया फ़ोन, मतलब यू आर फाइन विद दैट कि जो ओवरऑल डेली यूज में चल जाए, तब आपको Samsung Galaxy M21 पसंद आएगा, डोंट वरी। अब बढ़ते हैं दोस्तों हम अगले फ़ोन की तरफ, जो कि है Vivo की तरफ से। एंड ये फ़ोन दोस्तों अभी रिसेंटली प्राइस कट के बाद 15,000 रुपये से नीचे आया था, एंड अब लगता है कि प्राइस कट के बाद ये 15,000 से जस्ट थोड़ा सा ही ऊपर होगा। जी हाँ दोस्तों, Vivo का Z1X, एंड आई थिंक 15,500 के आसपास इसको आपका लोएस्ट वेरियंट मिल जाएगा। तो मैंने सोचा क्यों ना 500 रुपये के लिए सही इसको लिस्ट में रख लेते हैं, बिकॉज दोस्तों यहाँ पे आपको AMOLED डिस्प्ले मिलता है विद इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, और उसी के साथ साथ दोस्तों आपको यहाँ पे जो प्रोसेसर है वो भी बहुत बढ़िया मिल जाता है, स्नैपड्रैगन 712 का। तो ओवरऑल दोस्तों यहाँ पे मीडिया कंजम्पशन के लिए अच्छा है। यहाँ पे आपको जो चार्जिंग स्पीड है वो भी बहुत बढ़िया मिलती है, आपको डिस्प्ले अच्छा मिल जाता है। ओवरऑल गेमिंग में दोस्तों आप यहाँ पे मीडियम सेटिंग्स में खेल पाएंगे। तो ओवरऑल एक बहुत ही बढ़िया डिवाइस है वीवो की तरफ से इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट में। एंड हाँ, वो जो फन टच OS है उससे थोड़ा बहुत इशू है मुझे,
लेकिन अभी दोस्तों अपडेट के बाद, मतलब इशू हुआ करता था, अपडेट के बाद बहुत ज़्यादा बढ़िया किया है, डार्क मोड आ गया है। तो इन सब में भी दोस्तों अब वीवो देखने लगी है। तो अगर आपको दोस्तों एक गेमिंग वाला फ़ोन चाहिए जिसमें आपको एमोलेड डिस्प्ले हो, 15,000 रुपए से नीचे हो, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर चाहिए, तब आप इस पर नज़र डाल सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट फ़ोन है वो है रियलमी की तरफ से, रियलमी 6। एंड इसका दोस्तों हमने अभी इसी हफ्ते एक फुल रिव्यू किया था और वहाँ पे हमने इसके बारे में सब कुछ बताया कि भाई क्या अच्छा है क्या नहीं है। लेकिन अगर मैं डिवाइस के बारे में बोलूँ तो G90T बहुत ही बढ़िया। अब दोस्तों G90T आपको Redmi Note 8 Pro में मिलता था, लेकिन अब वो 15,000 रुपये से ऊपर हो गया है, तब आपको दोस्तों वही यहाँ पे मिल जाएगा। गेमिंग परफॉर्मेंस अब गर्मी में दोस्तों थोड़ा बहुत गर्म होने लगा है ये, लेकिन ओवरऑल अभी भी प्राइस के हिसाब से ये फ़ोन बहुत ही बढ़िया है एंड आप इसको खरीदने का सोच सकते हैं। लेकिन दोस्तों वो रिव्यू ज़रूर देखिएगा, बिकॉज जो छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स होती ना हमने अपने रिव्यू में बताई है। एंड जो फाइनल फ़ोन है दोस्तों इसके बाद, Redmi Note 9 Pro, जी हाँ आप सभी को पता ही होगा। और यहाँ पे दोस्तों अब आपको जो Snapdragon 720 का प्रोसेसर है वो मिलता है, एंड इसी के साथ साथ अब यहाँ पे दोस्तों आपको Gorilla Glass 5 का बैक मिल जाता है। और ओवरऑल दोस्तों डिज़ाइन बहुत प्यारा है, एंड इसी के साथ साथ इसका भी दोस्तों हमने फुल ऑन रिव्यू कर रखा है, तो आप वो भी ज़रूर देखिएगा। अब इस पर्टिकुलर फ़ोन में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिवाय दोस्तों वो जो वाइड 1.11 का सपोर्ट था, मतलब HDR वगैरह का जो स्क्रीन था वो आपको नेटफ्लिक्स में नहीं देखने को मिलता है। और इसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात है कि आपको वो जो नैविक इंडियन सेटेलाइट का सपोर्ट है वो मिल जाएगा, आपको गेमिंग वाइज आपको बहुत ही बढ़िया फ़ोन मिलता है। तो ओवरऑल इस प्राइस में दोस्तों 15,000 रुपये में ये वन ऑफ द बेस्ट फोन्स है। हाँ OS वगैरह में एड्स वगैरह रहेंगे, बट अब मुझे लगता है कि आप लोग को इससे ज़्यादा फर्क पड़ता है नहीं, बट हाँ मेरा काम है बताना तो मैंने आपको बता दिया, जी हाँ मतलब आप देख लेना। तो इसके बाद दोस्तों जो भी आपको, मतलब आपने जितने भी फोन्स पढ़े हैं हमने बहुत सारों का रिव्यू कर रखा है, तो मैं आपको उसके लिंक भी दोस्तों इस वीडियो के नीचे दे दूंगा। अगर आपको ये जो लिस्ट है वो पसंद आई तो प्लीज़ एक थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि हमें कोई और फ़ोन इसमें इंक्लूड करना चाहिए था तो प्लीज़ ज़रूर बताइए। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा देना। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही, और अपने अगले वीडियो में आप सभी से मिलने की आशा रखते हुए गुड बाय।